नमस्कार साथियों, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का ये लेक्चर 14 टू हिंज आर्च। इससे पहले अपन थ्री हिंज आर्च डिस्कस कर चुके हैं। टू थ्री हिंज आर्च के कुछ कॉन्सेप्ट इसमें जो छूट गए हैं वो भी अपन कवर करेंगे। इसमें बेसिकली पूरा जो लेक्चर है टू हिंज आर्च पे बेस है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद जो आर्च का चैप्टर है पूरी तरह फिनिश है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो थ्री इंच आर्च का जो लास्ट केस बचा था, थ्री इंच सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्ट टू कंसेंट्रेटेड लोड एट ग्राउंड। लास्ट लेक्चर में अपन ने थ्री इंच आर्च सेमी सर्कुलर पैराबोलिक आर्च जो है डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब जो लोडिंग जो थी वो थी अपन की यूडीएल, ठीक है। इस केस में अपन कंसेंट्रेटेड लोड का एक केस डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो इसमें कुछ चेंज नहीं है, केवल W पॉइंट टूल लगा हुआ है सेंटर पे, C पॉइंट पे, ठीक है, हिंज पे। तो यहाँ से रिएक्शन निकाल लेंगे, हाफ अप आ जाएगा, ठीक है। मूवमेंट एट C पॉइंट पे लेंगे यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी HA। तो HA और RA दोनों क्या है, इक्वल सेंस में, ठीक है। W by 2। अब मैंने मान लिया ये सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इस सेक्शन पे मुझे क्या है, मूवमेंट कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो RA इंटू X हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, HA इंटू Y, यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या है, RA की वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और H की वैल्यू भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्या दोनों वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाले। अब देखो X और Y की वैल्यू अपन को निकालनी। अब ये क्या है, सेमी सर्कुलर आर्च है, तो क्या है, रेडियस है पूरा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस R के बराबर। अब X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब X ये वाला है, ठीक है, ये सा। तो टोटल यहाँ से और सेंटर से और A पॉइंट तक की दूरी R। तो R में से अगर मैं ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक अगर उसको रिड्यूस माइनस कर दूं तो क्या X बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी R है, ठीक है, ये भी R है क्योंकि पूरी R का ही रेडियस है। तो R cos थीटा हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल में, कहां तक, यहां तक। तो टोटल R में से मैं R cos थीटा माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, R माइनस R cos थीटा X आ जाएगा। इसी तरह से ये वर्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा, R sin थीटा, ठीक है। तो X और Y की वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहां से, तो ये फाइनल जो है मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन को क्या है, मैक्सिमम मोमेंट निकालना है कि किस पॉइंट पे पॉइंट लोड की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो क्या करूंगा, डिफरेंशियल कर दूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से डिफरेंशियल किया इसका जीरो, इसका कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा, इसका माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या है, इसको इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टेन थीटा थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 वो एंगल होगा जहां पे क्या है बेंडिंग मोमेंट अपन को मैक्सिमम मिलेगा। तो मैं वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 पुट कर दूंगा इसमें क्वेश्चन में, तो ये फाइनली ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर इस तरह फॉर्म में भी आ सकता है, इसको सॉल्व करें तो 0.207 W डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 0.207 W, ठीक है। रेडियल शेयर या शेयर फोर्स और नॉर्मल थ्रस्ट अपन कैलकुलेट करेंगे। अब देखो उस केस में अपन ने ये माना था थीटा, किस केस में, जब अपन ने थ्री इंच कैलकुलेट किया था। अब इस केस में क्या है, सेमी सर्कुलर आर्च है, तो इस केस में अपन मानेंगे ये वाला थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि अपन ने हॉरिजॉन्टल से एंगल माना है इस केस में, और पैराबोलिक आर्च में अपन ने एंगल अज्यूम किया था, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा ये भी। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू W बाई टू और R ए W बाई टू, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वही वैल्यू सेम। अब वर्टिकल सॉल्व करेंगे तो वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, R ए के बराबर, तो इसलिए W बाई टू, ठीक है, H ए H एक्स के बराबर यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, शेयर फोर्स की वैल्यू क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो बी एक्स, ये शेयर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रेडियल शेयर, तो ये रेडियल शेयर है, तो यहाँ से क्या होगा, बी एक्स ये हो जाएगा cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा, bx sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, hx, ये इधर cos बनेगा तो इधर sin, लेकिन ये क्या 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, तो hx cos थीटा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपन शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब थीटा इक्वल टू 0 और पाई बाय 2 दोनों वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट कर दें तो माइनस W बाय 2 और 90 पुट कर दें तो W बाय 2। अब देखो इन दोनों के बीच माइनस प्लस का चेंज आ रहा है, तो कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पर शेयर फोर्स 0 होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल टू पुट कर दूंगा, तो यहां से एंगल आ जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू 45 पर शेयर फोर्स 0, तो ऑटोमेटिकली बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम कहां पे आ रहा था, 45 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ थ्री इंच आर्चेस। अब टेम्परेचर इफेक्ट कैसे देखते हैं इसमें, मान ये थ्री इंच आर्च क्या है, एक तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसमें मैं टेम्परेचर राइज करता हूं तो अब देखो ये सपोर्ट जो है एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, फ्री एक्सपांशन नहीं होने देंगे, लेकिन क्या है हिंज, इस पॉइंट से क्या एक्सपांशन होगा, जब ये मेंबर राइज होंगे तो ऑटोमेटिकली लेंथ इनकी बढ़ेगी। तो मान चलो ये इनिशियल शेप थी, तो आगे चलकर टेम्परेचर राइज की वजह से आगे डी पॉइंट पे, तो क्या होगा, सी टू डी डिस्टेंस बढ़ गई, ये हो गया डेल्टा एच, ठीक है। तो राइज हो गया स्मॉल चेंज, तो यही इसी में लिखा हुआ है, देखो थ्री इंच आर्च इज ए डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, हेंस द टू राइज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी इंट्रोड्यूस बट द डिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल हिंज विल बी अकर, ठीक है। राइज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्च
length of arch since the end A and B do not move since crown hinge will be rise from C to D. तो देखो वही point है, ठीक है, length arch increase होगी तो C to D ये increase हो जाएगा, ठीक है। अब पहला केस लेते हैं जब लोडिंग ना हो, केवल सिंपल आर्च है, केवल टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो उस केस में जो डेल्टा एच आएगा ये वैल्यू कितना राइज हुआ, इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेल्टा एच या एस एस, अलग अलग बुक में अलग अलग जो साइन दिए हुए हैं, ठीक है, ये डेल्टा एच है या इस तरह से डेल्टा एच, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर अपॉन में फोर एच अल्फा डेल्टा डी। डेल्टा डी चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा टी ये एक ही टर्म है डेल्टा डी, ठीक है। उसके बाद नो नो रिएक्शन इंट्रोड्यूस। अब देखो, अब अगर अगर नो लोडिंग केस है तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली ऊपर है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो कोई भी रिएक्शन इंट्रोड्यूस नहीं होगी, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक ही होगा। अगर अब क्या करते हैं, अगर अपन इस पर लोडिंग लगा देते हैं, ठीक है, मान चलो यूडीएल लग गया, पॉइंट लोड लग गया, तो क्या करेगा, इस पॉइंट को उठने नहीं देगी यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, थ्रस्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो देखो, इफ द टेम्परेचर इज चेंज इज अप्लाइड ऑन द लोडेड आर्च देन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विल बी चेंज। तो अगर लोड, जिस तरह से मैंने बताया था कि अगर लोडिंग लगेगी तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में चेंज आएगा, ठीक है। अब कितना चेंज आएगा, क्या आएगा, डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेल्टा एच, ठीक है, कितना स्मॉल चेंज है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच इनटू एच। ये डेल्टा एच कौन सा, ये वाला है ऊपर वाला, एच क्या है राइज, ठीक है, और एच क्या है हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट है रिएक्शन, ये टर्म आ दी है। अब ये डेरिवेशन है, अभी कैसे अपन को मिलता है, देखो हम आगे देखते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि जो अपन ने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालते हैं यूडीएल केस में, डब्ल्यूएल स्क्वायर बाई एट एच आता है, ठीक है, पैराबोलिक। अब इसको डिफरेंशियल में एच के रिस्पेक्ट में कर दूं राइज के, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि राइज जो हो रहा है एच राइज के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, चेंज जो आ रहा है, ठीक है, तो डब्ल्यू स्क्वायर बाई एट इसका वन अपॉन एच के रिस्पेक्ट वन अपॉन माइनस के एच स्क्वायर। तो यहाँ से अपन फाइनली डब्ल्यू स्क्वायर बाई एट इस एच को इक्वल ले जाएंगे, तो ये टोटल टर्म क्या बनेगी, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच को इधर ले गए और डेल्टा एच को इधर ले गए, तो इस तरह से ये टर्म फाइनली बन गई अपनी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ए थ्री इंच आर्च ऑफ द स्पान 30 मीटर राइज 6 मीटर एंड सब्जेक्टेड टू राइज एंड टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड डिटरमाइन द चेंज ऑफ राइज इन आर्च अल्फा इक्वल टू। अब देखो, चेंज पूछा है कितना वो राइज इंक्रीज कराया, टेम्परेचर 40 डिग्री अगर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, वही फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर इस तरह से लगा देंगे। एल स्पान पता है दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, ये राइज 6 मीटर, ठीक है, 4 रख देंगे इसमें पुट कर देंगे, अल्फा दिया हुआ है, डेल्टा डी का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ गया 20.88। सेम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थ्री इंच आर्च ऑफ सब्जेक्टेड टू स्पान दिया हुआ है, राइज दिया हुआ है 4 मीटर, यूडीएल लोडिंग दी हुई है इस बार 25 किलोमीटर, इसमें क्या है, कोई लोडिंग नहीं दी थी, इसमें लोडिंग दे दी है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, अगर और नेक्स्ट केस है, इफ यदि टेम्परेचर राइज 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो चेंज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में कितना चेंज आएगा अगर टेम्परेचर राइज कर देते हैं तो। देखो, सिंपल अपन थ्रस्ट निकालते हैं तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एच आ जाएगा, डब्ल्यू दिया हुआ है 25, एल दिया हुआ है 20, 8 4 4 दिया हुआ राइज, ठीक है, तो यहाँ से 312.5 किलोन्यूटन, ठीक है। अब क्या करें, अगर चेंज इन, अब कितना चेंज आया टेम्परेचर राइज की वजह से, तो वो देख लेते हैं अपन, एल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, एल की वैल्यू, एच की वैल्यू 4 है, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है 12 × 10⁻⁶, टेम्परेचर है कितना 40, तो ठीक है, तो यहाँ से आया 0.01392। अब एच 4 मीटर है तो कितना और इंक्रीज हो गया 0.0192, ये डेल्टा एच आ गया। अब क्या करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अपना, तो डेल्टा एच बाई एच इनटू एच, तो डेल्टा एच अपन ने निकाला था ये वाला 0.03, एच अपन को राइज दिया हुआ 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना आया 312, तो 1.089, मतलब पहले कितना था 312.5, अब कितना डिक्रीज हो जाएगा इसमें 1.0875, तो इतना क्या है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है अपना क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज होने से फायदा है क्या है या नुकसान है, देखो अपन आर्च की केस में बताया था कि जब भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होता है उसमें से माइनस होता है, तो सीधी सी बात है अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अपना का अगर बढ़ रहा है तो अपने लिए फायदा है, क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करेगा, अगर अपना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है कम हो रहा है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बेंडिंग मोमेंट जो है इंक्रीज हो जाएगा, जो डिजाइन के लिए इकोनॉमी जो सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब 2 इंच आर्चेस निकाल देंगे, 2 इंच आर्च के केस में अपन सिंपल देखते हैं तो, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इंडिटरमिनेट है, तो कितना कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये 3 है, ठीक है, 4 माइनस 3 तो 1 डिग्री इंडिटरमिनेट आ गया, क्योंकि दो हिंज यहाँ पे, दो सपोर्ट, दो रिएक्शन 4 आ गए। अब यहाँ से मूवमेंट निकाल लेंगे, किसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे निकाला, तो यहाँ से रिएक्शन आ जाएगी आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, डब्ल्यू पॉइंट लोड है सेंटर पे लगा हुआ इसलिए, ठीक है, तो ऐसे आर बी आ जाएगा, आर ए, आर ए भी आर ए के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन क्या होगी एच ए इक्वल टू एच एच बी, हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस में रिजॉल्व कर देंगे। अब देखो एच एच बी इन दोनों की वैल्यू अपन को पता नहीं, तो अपन एक रिडंडेंट मान लेते हैं जिसकी वजह से अपन दूसरा रिडंडेंट ऑटोमेटिकली उसके इक्वल होगा, तो क्या करेंगे कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन विल बी इन टर्म ऑफ एच ए, मैं एच ए की टर्म में निकाल लेता हूँ कि एक कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन चाहिए जिसके लिए
इसको एच ए को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो डेल्टा एच हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। अब देखो सपोर्ट है, सपोर्ट में मैंने बताया था डिफ्लेक्शन जीरो होता है। डेल यू अपॉन डेल्टा एच स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रिडंडेंट, जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन डायरेक्शन ऑफ ए, तो क्या होगा जीरो। ये क्या हो? कौन है कास्टलेनो सेकंड थ्योरम है, ठीक है। अब स्ट्रेन एनर्जी अपन को पता है अननोन कौन सा है, अननोन वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए क्या होगा एनर्जी जो सिस्टम होगा मिनिमम होगा। अपन मेथड ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यू इक्वल टू एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन में टू ई आई। तो अपन क्या करेंगे मूवमेंट निकालेंगे, तो मूवमेंट क्या होगा आर इंटू एक्स माइनस एच इन टू वाई, तो ये बीम मूवमेंट सिंपल, ठीक है। इसको मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, डी एस आ जाएगा टू ई आई आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आर ए एक्स है केवल मूवमेंट, मूवमेंट जो वर्टिकल फोर्सेस की वजह से आ रहा है वो आर एक्स, ये क्या है हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट को कम कर रहा है। तो मैं आर ए एक्स को टर्म को क्या मान सकता हूँ एम मान लेगा, ठीक है। इसमें वैल्यू अब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये फाइनली आ जाएगा। अब आने के बाद क्या होगा, इसके बाद इक्वल को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ से एच ए और एम बाई में अलग अलग टर्म बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है सिंपल। तो यहाँ से एच ए की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, तो एम बाई डी एस अपॉन में ई आई बाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। तो यहाँ से अपन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है टू इंच आर्च में कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो सेमी सर्कुलर आर्च हो या वो पैराबोलिक आर्च, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, टू इंच आर्च में पैराबोलिक लोड जो है यूडीएल लग रहा है, ठीक है। इस केस में डिस्कस करते हैं, तो देखो पैराबोलिक आर्च में सेक्शन टू सेक्शन ये क्या है आर्च जो है वेरी करता है, वो मतलब सेक्शन जो है अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होती है। लेकिन सेमी सर्कुलर आर्च में क्या है हर पॉइंट पे जो दूरी होती है सेंटर से वो क्या है सेम होती है, ठीक है। आ रही होगी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे, लेकिन पैराबोलिक आर्च में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो वेरी करता है वो कहता है आई नॉट सेक थीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन को पैराबोला की इक्वेशन अपन ने पहले भी कैलकुलेट की थी थ्री इंच आर्च में कि क्या आती है फोर एच एक्स एल माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, ठीक है। अब मैं इसको टर्म मान लेता हूँ कितना वेरी कर रहा है, कि बाय डिस्टेंस अपन चल रहे हैं और एक्स डिस्टेंस चल रहे हैं, तो कितना वेरिएशन आ रहा है पैराबोलिक आर्च। मैंने मान लिया डी एस है, ठीक है, कर्व के से में डी एस, ये मान लिया थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा हॉरिजॉन्टल अपॉन में वो बेस अपॉन में पर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cos थीटा sin थीटा आ जाएगा, यहाँ से ds बराबर क्या आ जाएगा dx sec थीटा, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से मूवमेंट की वैल्यू अपन मैं यहाँ पर सेक्शन कट करता हूँ, तो यहाँ मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी r इंटू एक्स माइनस के लोडिंग की वजह से डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये वर्टिकल रिएक्शन की वजह से अभी हॉरिजॉन्टल कंसिडर नहीं किया, तो मूवमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू माइनस एक्स अपॉन में डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी अपन ने, वाई की वैल्यू अपन जानते हैं फोर एच एक्स यहाँ से डायरेक्टली प्लेस कर देंगे, ठीक है। ds की वैल्यू अपन ने निकाली थी dx sec थीटा, उसके बाद y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4hx और l माइनस x अपॉन l स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली फाइनली अपन को मिलता है w स्क्वायर बाई 8h। इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को। अब इसी तरह से 2 इंच पैराबोलिक आर्च है, लेकिन ये कंसेंट्रेटेड लोड ले रही है किस पे ग्राउंड पे, तो इसका क्या जाएगा 25 अपॉन WL अपॉन 128। इसका डेरिवेशन नहीं किया है लेकिन होगा इसी तरह से, इसी तरह से वैल्यूज में पुट की जाएंगी, ठीक है, सेम प्रोसेस है। अब अपन 2 इंच, अब यूबीएल अगर लोड आ जाए 2 इंच आर्च में तो क्या होगा, देखो पैराबोलिक आर्च है आधा यूडीएल लग जाए या ये यूबीएल आ जाए, ठीक है, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली इनके रिजल्ट पूछे जाते हैं डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8h, ठीक है। अब 2 इंच आर्च सेमी सर्कुलर आर्च, इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो सेम निकलेगा जो अपन ने अपनी फॉर्मूला, लेकिन इस केस में आई इक्वल टू आई नॉट सेक थीटा नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका जो रेडियस है वो सभी जगह सेम रहता है। अब क्या करेंगे, आर्च अगर कंसेंट्रेटेड लोड एट सेंटर पे, अगर सेमी सर वो ये क्या है कौन सी आर्च है, ये सेमी सर्कुलर आर्च है, सेमी सर्कुलर आर्च में क्या है रेडियस रेडियस के बराबर होती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका रिजल्ट आता है जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है डब्ल्यू वाई पाई। अगर ये जो अपन का कंसेंट्रेटेड लोड है वो किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल एंगल से अगर अल्फा पे है तो वो क्या आ जाएगा डब्ल्यू वाई पाई साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से निकाल लेंगे अपन। नेक्स्ट केस है आर सब्जेक्टेड टू ओवर यूडीएल एंटायर स्पन, अब यूडीएल लगा हुआ है मान के चलो किसी पे, तो क्या होगा 4/3 डब्ल्यू आर बाई पाई, इस तरह से सेम इसकी तरह यूडीएल या यूबीएल लगा हुआ हाफ लगा हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे यूडीएल यहाँ पूरा है तो इसका हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा हाफ, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्मल इफेक्ट देखते हैं इसमें 2 इंच आर्च में क्या होगा, देखो अब इस केस में वैसे समझा देता हूँ, तो देखो जैसे 2 इंच आर्च है, थ्री इंच आर्च में अपन ने थर्मल इफेक्ट देखा था, तो उसमें देखा था कि राइज हो रहा था किस जगह से अपन के सेंटर से, ठीक है, क्योंकि हिंज था तो मेंबर इंक्रीज हो रहे थे तो राइज में चेंज आ रहा था, ठीक है, डेल्टा एच हुआ था। इस केस में देखो यहाँ पे तो कोई हिंज ही नहीं है, तो चेंज होने की कोशिश कहाँ से करेगा, किसी सपोर्ट से, मान के चलो ये रोलर सपोर्ट है, मैंने मान लिया कि फ्री एक्सपांशन यहाँ पे डेल्टा हो रहा है, ठीक है,
तो इसको प्रीवेंट कौन करेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी जनरेट हो रहा है तो एच, तो मैं क्या करूंगा प्री एक्सपांशन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, टोटल प्री एक्सपांशन देख लूंगा कितना है। देखो ये क्या कह रहा है, ड्यू टू हीटिंग आर्च विल ट्राई टू एक्सपांड इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए पॉइंट ये है बी पॉइंट ये है, तो बी से बी डैश चेंज हो रहा है ठीक है ए बी की डायरेक्शन में ठीक है। उसके बाद परमिट द फ्री एक्सपांशन परमिटेड देन एल अल्फा डेल्टा टी, तो फ्री एक्सपांशन जानते हैं अपन एल अल्फा टी हो जाएगा ठीक है, विल बी फ्री एक्सपांशन सिंस द बोथ द एंड आर हिंज आर सपोर्टेड हेंस फ्री एक्सपांशन नॉट परमिटेड। अब दोनों हिंज है तो फ्री एक्सपांशन परमिट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्योंकि दोनों हिंज सपोर्ट, अगर यहाँ रोलर सपोर्ट होता तो परमिट हो जाता ठीक है। उसके बाद देयरफॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विच बी कैन बी प्रिवेंट द फ्री एक्सपांशन डेल्टा इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा विल बी इंट्रोड्यूस, तो क्या क्यों प्रिवेंट कर रहा है, सो क्यों नहीं होने दे रहा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा है, तो मैंने मान लिया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एच डेल्टा है, डेल्टा के बराबर है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, एम स्क्वायर डी एस अपॉन में टू ई आई। अब देखो मैं इसको वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या एच इंटू वाई आ जाएगा सिंपल, क्योंकि नो लोडिंग केस है, तो डी एस अपॉन में टू ई आई ठीक है। अब उसके बाद डेल यू अपॉन डेल्टा एच में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशियल करता हूं तो फाइनली आता है, तो यहां से डेल्टा अपन, अब ये डेल यू अपॉन डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के बराबर, तो इसकी जगह और डेल्टा क्या है एल अल्फा डेल्टा टी, ये फ्री एक्सपांशन है। अब यहां से क्या करूंगा मैं हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट की वैल्यू है यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगा, तो एल अल्फा डेल्टा टी अपन, अगर चेंज इन टेम्परेचर आता है तो डायरेक्टली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि मतलब क्या है, टू इंच आर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है चेंज होता है। अब कैसे कैसे चेंज होता है, मान चलो सेमी सर्कुलर आर्च है टू इंच आर्च, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू होगी डायरेक्ट रिजल्ट है इसी से आता है, फोर ई आई अल्फा डेल्टा टी या टी ठीक है अपॉन पाई आर स्क्वायर। उसके बाद पैराबोलिक आर्च में 15/8 ई आई नॉट अल्फा एच स्क्वायर। अब इस केस में क्या होगा, पैराबोलिक आर्च है, इस केस में अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इनटू एच होता है क्योंकि नो लोडिंग केस है, तो इस केस में क्या है एल अल्फा, अब एच की वैल्यू तो अपन ने कैलकुलेट कर दी, एच क्या है राइज है। अब अगर मान चलो ये तो सेमी सर्कुलर आर्च उसमें पैराबोलिक आर्च में हो गया, अगर एच की जगह अगर सेमी सर्कुलर आर्च होती तो उस केस में क्या हो जाता, एच की जगह आर आ जाता डायरेक्टली ठीक है। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर और आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है। ए टू इंच आर्च सेमी सर्कुलर आर्च ऑफ रेडियस 10 मीटर सब्जेक्टेड टू राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस टू द राइज ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू 2×10^5 अल्फा दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ आर्च की दी हुई है 1000 mm ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की मैंने बताया था कि इक्वेशन क्या थी 4EI। अब देखो ये कौन सा केस है, पहले तो ये देखो ये कौन सा है, रेडियस दी हुई है तो इसका मतलब सेमी सर्कुलर आर्च है, सेमी सर्कुलर आर्च के लिए मैंने फार्मूला बताया था कौन सा है 4EI अल्फा टी डेल्टा टी अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से टेंपरेचर चेंज के लिए फार्मूला लगा लेंगे, 4E की वैल्यू दी हुई है गिवन है, आई की वैल्यू गिवन नहीं है ठीक है, निश्चय मान लिया। उसके बाद अल्फा 12×10^5 6 गिवन है, डेल्टा टी टेंपरेचर 40 डिग्री ठीक है, अपॉन पाई आर, अब आर क्या है ये डेप्थ कितनी है, रेडियस दी हुई है अपने लिए 10 मीटर है ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर है तो 10 मीटर इसको एमएम में कन्वर्ट कर लिया 10,000 हो गया स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। अब इसको ये न्यूटन में आ जाएगा पूरा थ्रस्ट ठीक है, ये आ गया 384 आई अपॉन पाई इंटू 10^8 न्यूटन। अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, मैंने बताया था एच इंटू स्मॉल एच, ये क्या है राइज वाला है, तो ये कैपिटल एच की वैल्यू है अपने लिए थ्रस्ट की वैल्यू, उसका राइज की वैल्यू कितने दी हुई, अब देखो राइज की वैल्यू दी हुई है तो राइज क्या है अपना रेडियस के बराबर 10 मीटर, तो 10,000 हो गया एमएम में ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद सेक्शन मॉडुलस अपन जानते हैं आई बाई वाई, आई अपने लिए गिवन नहीं है, वाई अपने लिए गिवन है, वाई क्या है डी बाई टू हो जाएगा, डेप्थ, डेप्थ कितनी हुई है मैंने बताया था, डेप्थ क्या होती है इंटर डॉस और एक्स्ट्रा डॉस के बीच के डिस्टेंस को डेप्थ बोलते हैं, तो 1000/2 500 हो जाएगा आई बाई 500। तो यहाँ से क्या है आई अपन के लिए जेड की वैल्यू मिल गई और यहाँ से एम बाई जेड अपन बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं ठीक है, तो एम की वैल्यू अपन ने निकाली निकाली चुके हैं वाली, अपॉन में जेड कर देंगे तो इस यहाँ से आई से आई कैंसिल हो जाएगा 6.11 आ जाएगा ठीक है। अब देखो एक केस दे रहा था रेडियल शियर एंड बेंडिंग, रेडियल शियर या शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन द 2 इंच पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर द एंटायर स्पान आर ऑलवेज 0। मैंने बताया था कि अगर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट चाहे 2 इंच आर्च हो या 3 इंच आर्च हो लेकिन पैराबोलिक होने चाहिए और उसमें भी यूडीएल हो ठीक है, तो वो क्या है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स से फ्री होती है, ऑलवेज 0 होते हैं ठीक है, चाहे वो 2 इंच आर्च हो चाहे वो 3 इंच आर्च हो। अब देखो 2 इंच आर्च, अब रिएक्शन लोकस, अब रिएक्शन लोकस इसमें निकाली थी अपन ने 3 इंच में, क्यों क्यों नहीं कैलकुलेट की थी, क्योंकि वहां पे क्या है एक्सपांशन हो नहीं रहा था, वहां पे क्या है तो अपन को तीसरा हिंज मिला हुआ था जिसकी वजह से फ्री वहां से जो मूवमेंट है रिड्यूस होकर यहाँ पे 0 हो जाता था, लेकिन इस केस में नहीं है। इस केस में अब रिएक्शन लोकस क्या होती है कि मांग जल में बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेज जो रिएक्शन है और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इनका रिजल्टेंट मांग चलो आर आया,
अब आर एक डायरेक्शन ही होगी, आर की दूसरे की आर की डायरेक्शन ही होगी रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट को एक पॉइंट पे मिलाते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, ठीक है, वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मान चलो यहाँ पे पॉइंट लोड था, तो यहाँ यहाँ लगाने के बाद उसका रिजल्टेंट या इसका रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो अपन का होगा रिएक्शन ऑफ लोकस। मान चलो ये पॉइंट लोड अब यहाँ ना होकर यहाँ पे होता तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ होता, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ कर लेते, फिर अगर कहीं यहाँ होता तो इस तरह से ड्रॉ कर लेते। तो कहने का मतलब है जो रिएक्शन और लोकस है वो केवल स्ट्रेट लाइन पे मैच कर रहा है, ठीक है, इसी लाइन में आएगा ये रिएक्शन ऑफ लोकस। किस केस में? सेमी सर्कुलर आर्च में, ठीक है। यही लिखा है, देखो, रिएक्शन लोकस फॉर द टू इंच आर्च इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू रिजल्टेंट रिएक्शन एट सपोर्ट द पॉइंट लोड मूव ऑन स्पान ऑफ आर्च। इसी तरह से बताया गया, ठीक है। पैराबोलिक आर्च में क्या है, इसमें इसमें जो वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसमें अब देखो इसमें तो वाई की वैल्यू जो है वो सेम है रेडियस। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1.6 h अपॉन l स्क्वायर, l स्क्वायर अपॉन lx प्लस माइनस x स्क्वायर। ये डायरेक्टली डेरिवेशन करके आता है, बड़ा डेरिवेशन है लेकिन अपने कोई काम का नहीं अभी, ठीक है। तो अब इसके लिए पैराबोलिक आर्च के इसमें क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। मान चलो ये r आ गया, ये r भी आ गया, तो मान चलो ये पॉइंट लोड है w, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, यहाँ पे आया तो मान चलो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे मिल गया। तो मैं x इक्वल टू जीरो पे है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x स्क्वायर जीरो रखूंगा तो यहाँ पे तो y की वैल्यू कितना रहा है, तो 1.6 h आया, ठीक है। x बराबर l रखूंगा तो क्या है 1.6 h यहाँ पे आएगा, हाफ पे रखूंगा सेंटर पे रखूंगा तो 1.28 h आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन आप देखा इस तरह से कर्व शेप जा रही है, तो इसका रिएक्शन लोकस कैसा होगा कर्व शेप का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। अब क्या करेंगे, लीनियर आर्च थ्योरेटिकल आर्च। लीनियर आर्च इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर व्हिच इज ऑब्टेन द यूजिंग द फोनिकुलर पॉलीगन फॉर द गिवन आर्च व्हिच ऑल द जॉइंट्स लाइक ट्रस एंड लोडेड एट जॉइंट्स ऑल मेंबर ऑफ द लीनियर आर्चेज हैव ओनली एक्सियल कंप्रेशन फोर्स एंड विल बी फ्री फ्रॉम द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। देखो इसमें क्या किया है, मान चलो एक लीनियर आर्च अपन मानते हैं कि एक इमेजिनरी आर्च है, इसलिए क्या फोनिकुलर पॉलीगन से अपन को ऑप्टेन होती है। अब इसमें क्या है, ट्रस की तरह बिहेव करती है, जैसे एक एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, हर पॉइंट पे पिन जॉइंटेड की तरह बिहेव, पिन जॉइंट लग रहे हैं, सब पे लोडिंग लगी हुई, किस पे जॉइंट पे, जैसे कि ट्रस में लगा होता है। और सारे मेंबर जो है, मान चलो ए बी मेंबर, बी सी मेंबर, सी डी मेंबर या डी मेंबर, ये क्या लेंगे, एक्सियल कंप्रेशन लेंगे, ठीक है, एक्सियल कंप्रेशन लेंगे, लेकिन ये क्या है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स से क्या है फ्री होंगे। इस तरह से अपन थ्योरेटिकल और लीनियर आर्च को अज्यूम करके चलते हैं। अब ये हो गया, ठीक है। अब एडिस थ्योरम क्या कहती है, वो भी इसी से क्रिएट होती है। इफ ए लीनियर आर्च इज सुपर इम्पोज्ड ओवर द गिवन आर्च देन द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन द गिवन आर्च इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द गिवन आर्च एंड लीनियर आर्च। ये कह रहा है कि मान चलो गिवन आर्च मेरी ये वाली है, जैसे इस टेप की, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या है थ्योरेटिकल जो आर्च है उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दी इस तरह से, जैसे लिखा गया लीनियर आर्च। तो क्या होगा, इसमें जो बेंडिंग मोमेंट अगर अपन निकालेंगे इस गिवन आर्च पे, तो क्या होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा जो इंटरसेप्ट होगा, जैसे प्रोपोर्शनल मान चलो इंटरसेप्ट कितना है पी है, तो कितना एम एक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा पी के। इस तरह से ये कहती है एडिस थ्योरम, अपन बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट 3 इंच आर्च व्हेन द सुपर सपोर्ट और द डिफरेंट लेवल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये केस 3 इंच आर्च का ये थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर इसमें अगर सपोर्ट का लेवल डिफरेंट आया तो उसमें किस तरह से अपन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यूडीएल लग रहा है इसका, मान के चलो एच वन है, इसका लेंथ एल वन है, ठीक है, इसका एल टू है, इसका राइज एच टू है, अलग अलग सपोर्ट की डिफरेंट डिफरेंट, तो टोटल लेंथ क्या है एल वन प्लस एल टू इक्वल टू एल। अब मैं मूवमेंट सी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, मूवमेंट निकाल सकता हूँ। तो देखो आर ए इंटू एल वन सी पॉइंट मूवमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, एच ए इंटू एच वन। अब देखो ये क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव ले लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज था नेगेटिव ले लिया, उसके बाद डब्ल्यू इंटू एल वन ओपन में एल बाई टू, तो ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस ले लिया, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आर ए निकाल सकते हैं, यहाँ से आर ए की वैल्यू मान चलो ये आ गई। उसके बाद मूवमेंट एट सी, अब सेम केस राइट साइड में ले लेते हैं, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपन। अब वर्टिकल फोर्सेज में रिजॉल्व करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल। अब यहाँ से आर ए आर बी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो डब्ल्यू एल, तो यहाँ से एच ए और एच ए और एच बी क्या होंगे बराबर, क्योंकि समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेज भी जीरो करेंगे तो एच ए इक्वल टू एच बी, तो यहाँ से मैं एच ए के टर्म में वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से एच ए की वैल्यू जो आएगी डब्ल्यू एल बाई टू एच वन अपॉन में एल वन प्लस एच टू अपॉन एल टू। अब मैं मान लेता हूँ पैराबोलिक कर्व है, तो ये क्या जा रहा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म में जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे,
वाई अपॉन में एक्स वन। अब देखो पैराबोलिक आर्च में आप सोच रहे होंगे कि वो इक्वेशन तो वो है 4hx अपॉन में l स्क्वायर। अब देखो इस केस में क्या है कि दो दो अब इसका राइज सेम नहीं है, एक ही तरह सेम नहीं है, एक राइज एच वन में जा रहा है, एक राइज जा रहा है एच टू में। तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई अपॉन में कॉन्स्टेंट है, ठीक है। वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर कोई कॉन्स्टेंट बताएगा जब इस साइन को हटाएंगे तो, ठीक है। अब इसको रूट करेंगे अपन, रूट वाई अपॉन में एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको अगर रिवर्स लिखें तो x1 अपॉन में x x अपॉन में रूट वाई। अब मैं अलग अलग पॉइंट के लिए ले लूँ तो x1 अपॉन में y1, x2 अपॉन में y2, ठीक है। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू l1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी है h1 है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ x1 l1 पुट किया, यहाँ l2 पुट किया, यहाँ पे h1 पुट किया, यहाँ h2। तो इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से l1 और l2 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं एल के टर्म में। तो एल वन एल टू की वैल्यू आ गई यहाँ से। इसी तरह से क्या है, अब एल वन एल टू की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो यहाँ से एच ए की वैल्यू ये भी आ जाएगी। तो ये इस वैल्यू से आंसर निकालेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपन डिफरेंट सपोर्ट वाले सपोर्ट लेवल जिनका डिफरेंट होता है उनका भी ओरिजोनटल रिएक्शन जो है, थ्रस्ट जो है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।